गर्मी के मौसम में अर्ली मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स में अपनी बालकनी में बैठकर चिड़ियों को फुदकते देखना और चाय का मज़ा लेना किसे अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसे में हम थोड़ा अपनी बालकनी को सुंदर बना दें तो मज़ा दोगुना ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल VZP। तो इसीलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ 4 गार्डन और बालकनी DIYs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ये एक MDF का प्लैंक ले लिया है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इफ़ इन केस अगर आपको परचेज़ करना हो, अदरवाइज़ आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस कोट के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो कलर से इसे कम्प्लीटली पेंट कर दिया है। नेक्स्ट मैंने एक ये क्यूट सा इलस्ट्रेशन लिया है एंड साइड में मैंने टाइपोग्राफी कर ली है जो भी मुझे चाहिए था। एंड उसके बाद अब हम इसे कर लेंगे ट्रेस। तो येलो कार्बन पेपर की हेल्प से इसे आप ट्रेस करिए। ब्लैक, ब्लू, रेड ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि उनके इम्प्रेशंस रह जाते हैं एंड पेंट करने के बाद भी वो विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमने ट्रेस कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ मोल्डेड क्ले। तो रेजिन एंड हार्डनर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड क्ले हमारा रेडी हो जाएगा। अब जिस जिस पार्ट को आपको हाईलाइट करना है उस पार्ट को आप इस तरीके से क्ले की हेल्प से यहाँ पे डिज़ाइन कर लीजिए। तो मैंने सिर्फ फेस एंड हेयर बैंड ये सब थोड़े थोड़े चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हैं, थोड़े से लीव्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। टेक्स्ट पार्ट को मैंने सिंपल प्लेन रखा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स आप करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो एक छोटा सा अपडेट कि वीडियोस कितने रेगुलर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव आफ्टर 13 इयर्स फॉर सम फैमिली फंक्शन। अच्छा, इससे याद आया कि क्या आपको भी चाहिए शादी वाला ग्लो एवरी डे? हमारे यहाँ शादियों में उपटन काफ़ी यूज़ होता है फॉर नेचुरल ग्लोइंग स्किन, बट मेकिंग उपटन इज़ अ टास्क। बट अब आप भी पा सकते हैं उपटन वाला ग्लो, वो भी हैसल फ्री। तो मामा अर्थ लाए हैं उपटन रेंज फेस वॉश एंड फेस मास्क, जिसमें है टर्मरिक एंड सैफरन, विच गिव्स यू अ नेचुरली ग्लोइंग स्किन बाय रिमूविंग टैन एंड नरिशिंग द स्किन। इस फेस वॉश में है वॉलनट बीट्स जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड साथ में डेड सेल्स भी रिमूव करता है। इससे हमारा स्किन क्लीन, रिफ्रेश्ड एंड ग्लोइंग दिखता है। तो हमें अच्छे से यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसे स्क्रब करना है एंड इसके बाद इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसे इस तरीके से टॉवल ड्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क। इसे लगाने के बाद हमें 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ना है, उसके बाद हम इसे कर लेंगे वॉश। आपको इसे यूज़ करते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बिकॉज इट्स फ्री ऑफ टॉक्सिन्स, पैराबेंस एंड हार्मफुल केमिकल्स। तो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नाइका और मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है। एंड मेरा कूपन कोड खुशबू2022 यूज़ करने पे आपको मिलेगा 20% ऑफ। एंड ये ऑफ़र आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे ही अवेलेबल है। मामा अर्थ का एक प्लांट इनिशिएटिव भी है जिसमें जितनी बार भी आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं वो आपके ऑर्डर को एक प्लांट से लिंक करते हैं एंड उसे प्लांट करते हैं। एंड 2025 तक इनका टारगेट है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। और इतना ही नहीं, मामा अर्थ है प्लास्टिक पॉजिटिव। ये जितना प्लास्टिक यूज़ नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। अभी तक इन्होंने 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है। तो हमारा जो क्ले पार्ट था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसे करेंगे फटाफट से पेंट। बट पेंट करने से पहले हमें इस पे जेसो का एक बेस कोट अप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि क्ले जो है वो थोड़ा सा ऐसे शाइनी होता है, थोड़ा चिकना होता है उसका सरफेस। तो अगर आप पेंट करते हैं तो वो कितनी बार निकल जाता है, तो इसके लिए आपको जेसो अप्लाई करना इज़ मस्ट। तो जेसो अप्लाई करने के बाद जिस चीज़ को जिस कलर से आपका दिल चाहे आप उसे पेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस बोर्ड इज़ फॉर प्लांट लवर्स जिन्हें प्लांट्स की शॉपिंग करना एंड अपने घर को प्लांट्स से ऐसे भर देना बहुत पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं एंड मैंने बस रैंडम यहाँ पे कलर्स लिए हैं एंड इसे पेंट कर लिया है।
टेक्स्ट पार्ट जो मैंने बताया कि कम्प्लीटली मैंने प्लेन रखा है एंड उसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो एक 3D प्लांट मैंने बनाया है उसे भी पेंट कर लूँगी एंड थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास MDF के ब्रिक्स थे तो उनको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्टेंसिलिंग कर सकते हैं या फिर आप क्ले से छोटे छोटे ब्रिक्स बना के भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। अगर वो भी करने का मूड नहीं है तो आप सिंपली उसे पेंट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आर्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद हम वार्निश का एक कोट ज़रूर अप्लाई करेंगे सो दैट कि हमारा आर्ट प्रोटेक्टेड रहे। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक वुडन स्टिक। ये मुझे बाहर ऐसे ही गिरी हुई मिली थी तो मैं इसे लेके आई। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो बार्क है इसको हम रिमूव कर देंगे, अपने स्टिक को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। साइड में भी मैंने इसे कट कर दिया है सो दैट कि जो एंड्स हैं वो स्मूथ हो जाएं। तो अब देखिए दोनों साइड हमने कट कर दिया है एंड अब ये काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है ये एक मेटल वायर। ये आपको लोकल जो पेंट वगैरह की शॉप होती है, हार्डवेयर स्टोर्स, वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। 15-20 रुपए की आपको आती है ये, बहुत सारा वायर वो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से मैं दोनों सिरे को अब वुड के दोनों सिरों में बांध दूंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल जो थ्रेड होती है उसी की हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे बांधा है। इसके बाद जो वुडन स्टिक थी वो बहुत अच्छी नहीं थी तो इसके लिए मैंने इसे ब्राउन कलर से कुछ इस तरीके से पेंट कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रैप फैब्रिक था मेरे पास तो इनसे मैं यहाँ पे बंटिंग्स बनाऊंगी। तो बंटिंग्स बनाने के लिए बस सिंपली मैंने यहाँ पे थोड़े ट्रायंगल्स कट किए हैं सेम साइज़ के एंड इसके बाद एक ऊन लूँगी मैं, छोटा सा टुकड़ा मुझे चाहिए एंड उसके ऊपर मैं अपने इन ट्रायंगल्स को स्टिक कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब अपने उस मेटल के ऊपर दोनों साइड में हम इसे बांध देंगे। डेकोरेशंस आपके ऊपर है कि आपको और क्या क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वुडन बेल, एक क्यूट सी क्ले की बर्ड मैंने बनाई है छोटी सी, और जो भी डेकोरेशंस मैंने किए हैं वो साइड में किया है। बीच का स्टिक मैंने खाली रखा है सो दैट कि जब मैं इसे बाहर हैंग करूं तो इस पे बर्ड्स आके इंजॉय कर सके। आप इसमें एक छोटी सी प्लेट भी ऐड कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे काफ़ी लेट आया, मैंने सोचा कि इसे कर दूं, बट अगर ग्लू गन से मैं स्टिक करती तो बाहर गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ग्लू गन का जो स्टिक है वो मेल्ट हो जाता एंड जो भी मैं चिपकाती वो गिर जाता। तो मैं इसमें सोच रही थी कि क्ले की ही एक छोटी सी प्लेट मैं क्ले की ही हेल्प से ऐड कर दूं। तो बस हमारा एक क्यूट सा बर्ड स्विंग रेडी है। थर्ड आइडिया के लिए अगेन मैंने एक MDF प्लैंक लिया है एंड सबसे पहले हम इस पर एक बेस कोट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है वाइट एक्रेलिक कलर एंड जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चॉक पेंट बटर मिल्क शेड। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप वाइट भी रख सकते हैं या फिर कोई और कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। मुझे काफ़ी डिसेंट सा चाहिए था तो इसके लिए मैंने वैसा कलर चूज़ किया है। उसके बाद ये छोटे छोटे कुछ मेरे पास स्टिक्स थे, ये सब इत्से बित्से से मैंने लिए थे। मैंने बहुत सारे ऐसे विंडोज़ एंड डोर्स मंगाए थे तो उनके साथ ये थे तो उनको ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इनकी जगह पे कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये कुछ वुडन विंडोज़ एंड डोर्स हैं मेरे पास तो इनको भी मैंने पेंट कर लिया है एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा येलो पेंट करूँगी। ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे येलो पेंट किया था उसके ऊपर अपने विंडोज़ एंड डोर्स को स्टिक कर दिया सो दैट कि ये लगेगा कि अंदर लाइट ऑन है एंड उसके बाद फटाफट से हम सारे जो छोटे छोटे स्टिक्स हमने पेंट किए थे उनको यहाँ पर हम असेंबल कर देंगे। अब एक क्यूट सा कोट तो चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये एक छोटा सा कोट एंड इसको यहाँ पे हम ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद सिंपल ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैंने इसे फिल कर लिया है।
एंटेक्स्ट पार्ट होने के बाद थोड़े से यहाँ पे मैं हार्ट्स वगैरह बना रही हूँ, थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये सब हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से आर्टिफिशियल जो प्लांट्स आते हैं उनको यूज़ करते हुए इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो इन्हें मैं ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ हमारा थर्ड DIY भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट बहुत ही छोटा एंड बहुत ही क्यूट है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे ये मोल्डेड क्ले, एंड इसको हम सबसे पहले टीयर ड्रॉप शेप देंगे, एंड उसके बाद जो एक मेटल वायर हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वही वायर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड कुछ इस तरीके से मैं एक यहाँ पे बर्ड बना रही हूँ। तो बहुत ही इजी था इसे बनाना, कोई स्पेशल टूल यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है, तो बस सिंपली हमें हाथों से ही इसे बनाना है, एंड उसके बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। तो ड्राई हो जाने के बाद फटाफट से हम इसे कर लेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए नॉर्मल एक पिंक कलर मैंने यूज़ किया है, एंड थोड़ा सा उसमें वाइट मैंने यूज़ किया है, एंड इस तरीके से हमारा एक क्यूट सा फ्लैमिंगो गार्डन स्टेक रेडी है। वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें, एंड हाँ, अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।